के लिए तमाम जानकारी के लिए रूपेश। अगली खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर बता रहे हैं जो इस वक्त हमें बीजापुर से मिल रही है। नक्सलियों ने सहायक आरक्षण का अपहरण किया है। बीजापुर गंगलूर मार्ग से ही अपहरण किया गया है। पूर्व आरक्षक बलदेव ताती को उठाकर ले गए हैं नक्सली। गंगलूर थाना क्षेत्र की घटना बताई जाती है। नक्सली उन्मूलन बैठक के बीच वारदात की सामने आई थी। माओवादियों ने पूर्व सहायक आरक्षक को का अपहरण किया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। तो आरक्षक की पत्नी ने माओवादियों से पति को छोड़ने की अपील की है। गंगालूर थाना क्षेत्र के कलेनार गांव की घटना है। एसपी दिव्यांग पटेल ने आधिकारिक पुष्टि इस अपहरण की कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने सहायक आरक्षक का अपहरण किया है। बीजापुर गंगालूर मार्ग से ही अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व आरक्षक बलदेव ताती को उठाकर ले गए हैं नक्सली। गंगालूर थाना क्षेत्र की घटना है। नक्सली उन्मूलन बैठक के बीच इस वारदात को अंजाम नक्सलियों के द्वारा दिया गया है। जिले के कप्तान दिव्यांग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि अपहरण हुआ है। पवन दुर्गम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कब ये अपहरण हुआ है और अब तक क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी, आपको बता दूं, ये कल की घटना है, कल देर शाम की घटना है। ये जो बलदेव साथी जो है पूर्व आरक्षक थे, उनकी पत्नी वो ग्राम पंचायत सरपंच के लिए प्रत्याशी थी, तो उनके चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, तो वहाँ से जो नक्सली है उन्होंने इनको अपहरण किया है। जैसे उनकी पत्नी है उनको जानकारी मिली, तो कल देर रात तक वो जंगलों में भटकती रही, उनको ढूंढती रही। जब कोई पताताजी नहीं हुई, कहीं से कोई सुराग उनको नहीं मिला, तो आज वो बीजापुर थाना कोतवाली में यहाँ पहुंची है, जहाँ वो मामला दर्ज करा रही है। और जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी है, उनको भी इस चीज की सूचना उन्होंने दी है कि किसी तरीके से उनके पति को नक्सली छोड़े। और उसकी अपील भी वो कर रहे हैं कि नक्सली उनके पति को छोड़ दें, क्योंकि वो अब पुलिस में या सुरक्षा बल के जवान नहीं रहे, वो छोड़ चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो चलिए इस वक्त की